रकीब से। मेरे शोहर है ना, मैं कह रही हूँ अच्छे शोहर है। ये हो क्या रहा है? मैं चेक कहाँ जा रही हूँ? मैं देखने जा रही हूँ हो क्या रहा है। कोई जरूरत नहीं है, आपस में बात कर रहे हैं ना। भाग कर गाँव जाने का सोचा भी तो वो तो तुम्हें जूतियां मारता रहा है ना। मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। हाल है मकसूद साहब, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। उधरा 150 रुपये देना, पाई को फारिग करना है, बड़ा नोट है मेरे पास। ओए आप उतर, सामान उठा, आजा ओए आजा। एक मिनट पाई आपको देते हैं अभी। शाबाश पुत्र, खोल के ना वक्खो वक्त फैला दे, शहर की आवाज लगती सारे खराब हो जाते हैं। अपने पिंड के हैं ना, इसका मंगेतर है ना अनवर, उसी के बाग के हैं। एक भी कीड़ा निकल आया ना मेरा, सारे ही मिठे होंगे अल्लाह के हुक्म से। मकसूद भाई पाबी। अस्सलाम वालेकुम पाबी जी, पहली बार ही आपको देखा है तो ये कबूल करें, उधर ना देखें, पाबी हैं आप हमारी, पाई हूं आपका, रिवाज आइए कबूल करें। पाबी जी भूख लगी है, नाश्ता बनाती हूँ। हाँ जी आप क्यों बनाती हैं? वो उस तकीना को कहे ना वो बनाए, वो यहाँ क्या मंजियां तोड़ने आई है, काम शाम करवाया करें उससे। है किधर वैसे वो सकीना? सकीना इधर मार। ये क्या करने आ गया यहाँ? मिलने आया तुझे, बुला रहे बाहर। गैरत नामी कोई चीज नहीं इस रफीक गली में, अब किस लिए आया मेरे पीछे? बुढ़ी है तो उसकी, ऐसे नहीं मिलते अब यहाँ। बिच तो आएगा ना? ना छट के आई हूं मैं से, अब क्यों आएगा? ये जो तू काम करती है ना, ये ना तुझे यहाँ सुकून है ना तुझे वहां अब्बे के पास पिंड में सुकून था, तू चाहती क्या है? क्या चाहती है, हैं? मारी जाऊं मैं अमीरा? ठीक है कोई गल नहीं, मर जा। लेकिन मरने से पहले ना एक फैसला जरूर कर जाए कि तू क्या करना चाहती है, क्या सोचती है। अगर तुझे अब्बा इतना ही जहर लगता है, इतना बुरा लगता है, तो दे तलाक नाल फारिग कर, वरना जा बाहर, बुला रहा है तुझे, मुझे भी पिटवाएगी तू। तू यहां क्यों आया रफीक अली? लग गई ना आपको शहर की हवा, यही फर्क होता है शहर की हवा तो पिंड की हवा में। शहर की हवा में ना रेड ब्लड मार्टा भी ना सूख के छुआरा बन जाता है, उसका रंग मजा मिठास सब खत्म हो जाता है। 20 साल बाद जब आपने पिंड की मिट्टी पे पैर रखा था ना, रफीक ने ये नहीं पूछा था क्यों आया यहाँ, बल्कि वेलकम किया था, जी आया नु कहा था। तेरी मेहमान नवाजी अपनी जगह, लेकिन मैं ये दोगलापन नहीं कर सकता। रही बात सकीना की तो वो यहां से नहीं जाएगी, 2-4 दिनों में तुझे खुला का नोटिस मिल जाएगा। पुत्र अपनी अम्मा को कह के 3-4 अमरूद काट के ना उस पे काला नमक छिड़क के दे, काला नमक, चिट्टा नहीं, उससे ना खुरक तेज हो जाती है। जा हमने जरा जरूरी बात करनी है। एक तो ये बड़ा रोल है मकसूद साहब के, पढ़े लिखे बंदे से बात करने से पहले ना 10 बारी सोचना पड़ता है। तो अरज ये है कि पहले तो पकड़ी फिदवी ने पिंडो लारी,
ते सीधा पहुंच गया मसूद साहब के कार। वहां तो रौनकें लगी हुई थी अगले इलेक्शन की। अल्लाह खुश रखे मसूद साहब को, बड़ी बेहतरीन बातचीत हुई हमारी, मज़ा ही आ गया। फिर उन्होंने चरगे मुर्गे मुसलम ते बोतला ते खापे खोल दिए। उसके बाद मैं गया वापस पिंड, वहाँ से फिदवी ने फिर से पकड़ी है गड्डी ते सवेरे इधर आपके कार। तो अरज ये थी मकसूद साहब कि बैठ के बात कर लेते हैं मर्दों की तरह, ना आपकी मर्जी ना मेरी, जो बेहतरीन फैसला होगा उसको दोनों मान लें, वरना अगर गुस्सा आ गया तो फिर आपका भी पता नहीं मेरा भी पता नहीं, अब जैसे आपका। मकसूद साहब ने कहा कि क्यों आया तू यहां रफीक अली? अब अब्बा इससे आगे होकर बोला। मकसूद साहब आपका और मेरा ना वास्ता नहीं पड़ा इसलिए वाकफियत नहीं है, लेकिन खैर है कोई बात हो। इन्ना तो मालूम है ना कि मरद हूं मैं, और आपने मेरे साथ कर दी जनानियों वाली बात। अब पिंड का रिवाज है सकीना के चार टोटे करके ना नहर में बहा दूं, पर आपका ख्याल आ गया फिर मुझे। इतने साल हो गए आपको सकीना के गम में गुजारते हो, अब अगर दौड़ के आपके पास आ गई है तो फिर आप ही रखो। हाँ ते अब्बे ने कहा मैंने अब सकीना का अचार डाल, मैंने अब सकीना का अचार डालना, पूरे पिंड में बात फिर गई है। मैं अब उसे जिंदा वापस ले जाकर रखूंगा तो पिंड की इज्जत खराब नहीं हो जाएगी। ते मुझे रफीक अली को पिंड की इज्जत बड़ी प्यारी है, अपनी इज्जत से भी ज्यादा। मकसूद साहब कोई ना कोई तो मसले का हल निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छड़ सकते ना इसको। अरे हाजरा जी बस करो, काफी है। मकसूद साहब ने तो चखने भी नहीं है, अब बस सारे उड़क जाएगा, अच्छे वाले हैं बस। अरे रुको, उसको मारपीट ना करे उसके साथ। मकसूद साहब हाथ नहीं तोड़ देंगे उसके, मुझे दे दो। सुने बड़े फैसले हो रहे हैं मेरे बारे में इधर, ना तो मुझे वापस नहीं लेके जाएगा। अच्छा मुझे पता होता ना कि तू मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा तो मैं 20 साल तेरे जूते न खाती, भाग जाती मैं। देख लो जरा गुस्सा चेक करो इसका। चल तू जा अंदर से। नहीं जाऊंगी मैं मकसूद। कैसे अकड़ के बात कर रही है, पहले तो हर बात पे मकसूद साहब करती थी, अब वो कह रहे हैं अंदर जा, तो अंदर जा। तो मैं कोई ढोल ढंगर हूं जो आप लोग बैठ के मेरा फैसला कर रहे हैं? वो डंगर से याद आया तेरी बूरी मर गई है। क्या बूरी? हाँ वो खोर मुंह का रोग लग गया था उसको, लेकिन अच्छा हुआ मर गई, और ना और डंगर भी मार पड़ गया। बूरी मर गई है। जो होता है ना बेटी के लिए होता है। क्यों मकसूद साहब? नहीं मेरी बूरी बस कर दे, ये ले पानी पी।
पी ले थोड़ा। नहीं पीना मैं। मुझसे ज्यादा तो भूरी की मौती है, मैं भूखी रह जाऊं, भूरी को खाना मिल जाए। घंटों बातें करती रहती थी दूर से, न जाने क्या बातें करती थी इतनी इतनी देर तक। अम्मा की तो सहेली मर गई ना, चल कर ले दिल हौला कर ले, रो ले, पानी पी के रो ले। नहीं। देख रफीक अली, अगर तू सकीना को ले जाने के लिए नहीं आया तो बेहतर यही है कि उसको आजाद कर दे। एक बार ही सकीना से भी पूछ लें। क्या पूछना है उससे, क्या पूछना है उससे? तू भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि यही तुम दोनों के लिए बेहतर है। और आपके लिए? मुझे अगर कुछ करना होता ना तो मैं बहुत पहले कर लेता। हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल था। बाकी सबका भी, खुद सकीना का भी यही ख्याल था कि आप जेल से छुटके ना सीधा पिंड आओगी, दो चार लोगों के साथ कुसन मुक्की होगी और फिर आप सकीना को घोड़े पे बिठा के ये जा वो जा। पर आपके पास तो कोड़ा है ही नहीं। यार कोड़ा तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे कोड़े से बड़ा डर लगता है। कहते हैं अगर कोड़े पे से गिर जाओ सीधी गर्दन टूट जाती है। देख रफीक अली, सकीना अपनी मर्जी से यहाँ आई है, मजबूर थी तभी घर से निकली है। और यही तो रोला है, एक वारी औरत का पैर घर से बाहर निकल गया तो समझो ज्यादती की है सकीना ने। चंगे भले आप शादी करके बीवी बच्चों के साथ रह रहे हो और 20 साल बाद आ जाती है सकीना और आप उसे रख भी लेते हो तो क्या करता? तू होता मेरी जगह तो क्या करता? फंस जाता जैसे आप फंस गए हो। पर्चा कटा दिया मैंने, सकीना और अमीरा को जबरदस्ती अपने घर रखने पे। वो क्या एक मुश्किल सा लफ्ज होता है ना, मेरी तो जबान पे नहीं चढ़ा था और पुलिस वालों ने मुश्किल से चढ़ाया। क्या कह रहे थे वो, हब्स भेजा, वो करके रखा हुआ है अमीरा और सकीना को आपने। कटा दिया पर्चा। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं 6 बजे से पहले नहीं निकल सकती, फिर भी बाहर आके फोन पे फोन किए जा रहे हो, क्या हुआ है? वो एप्लीकेशन फिर रिजेक्ट हो गई है। फिर रिजेक्ट हो गई? मुझे लगा इस दफा तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगी। ऐसी भी क्या बात है, ऐसी भी क्या बात है, ऐसी भी क्या बात है इंशा? मेरी नौकरी कोई सिफारशी बाप का बड़ा बेटा ले गया और तुम कह रही हो ऐसी भी क्या बात है? इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? It's not the end of the world, you know. This is the end of the world. For me it is, यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मेरी एप्लीकेशन में मसला क्या था? मेरा रिजल्ट ठीक नहीं था या मैं मेरिट पर नहीं था? अब्दुल तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम मेरिट पर भी हो और तुम बहुत ब्राइट हो माशाल्लाह। बस बात सिर्फ ये कि मैं वो पेंडू जिसका बाप सड़क पर रोड़ी कूटता है, उसमें इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इंशा, आई एम फेलियर यार। सॉरी तुम्हें तंग करने आ गया हूं। अब्दुल यार अकेला छोड़ रही मैं अपनी बूरी को, कोई नहीं उसका ख्याल रखता था ना, सिर्फ मैं ही थी,
बीमार करके रफीकनी ने मार दिया उसे। उसको तो पहले ही जहर लगती थी। तो वो तो शिकायतें करती थी अब्बे की बुरी से, नहीं करती थी? किससे करती फिर? कौन था, कौन सुनता था मेरी मेरी बुरी? बुरी चली गई, छड़ गई मुझे। चला तो अब्बा भी गया है। चला गया? क्या 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 गया? कुछ नहीं, बस उसने एक कागज, एक कलम मंगवाया मुझसे। हाँ। और तेरे लिए खत लिख कर गया है। पढ़ूं? हाँ, पढ़। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दो। एक कोई शेर आता है उसे। सुन ले, अगर तेरा जवाब ना आए तो जीना छोड़ दो। अम्मा प्यार आ रहा है उनु। प्यारी सकीना। झूठा। अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज है कि मैं खैरियत से हूँ, खुदावन ताला से आपकी खैरियत भी नेक मतलूब चाहता हूँ, आपसे मिले बगैर जा रहा हूँ। खफा मत होना, आपसे मिलने दोबारा आऊंगा। भूरी का दुख है, अनुवी भूरी का दुख है, हैं? ड्रामेबाज है। फकत आपका और सिर्फ आपका रफीक अली। एक होशेर भी है, हैं? कोठे ते पिड़ कोठड़ा माही, कोठे सुकदा खेस भला, मैं तकिंदा रा प्या मीठा माही गया परदेस भला। हाय 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 हाय, अम्मा अफसोस। दिल भी बनाया है, हैं? तीर भी है, हैं? अपने वालों खून भी कड़िया है दिल विच, देख तीर है ना। ये मिला की बड़ी गलतियां करता है। छोड़ दे, छोड़ दे मेरी बुरी। बस बस बस, छोड़ ना, तुझे तो नहीं ना दुख है ना, तेरी तो नहीं थी ना वो, तू जान दे। बस ना रोएगी, बस कर देना। अजीब आदमी है जी रफीक अली तो, मैं तो उसे देख के घबराई गई थी। हंगामा हंगामा ना करे कोई, मारपीट ना करे ना सकीना के साथ। वैसे ही रो रो के हलकान हो गई है वो बेचारी तो, पूरी मर गई उसकी। मसाले हद करने आया है शायद, वरना कौन आता है ऐसे गांव से मुर्गियां और ये फल उठा के। दिल नरम हो गया हो शायद। अच्छा सुनो, वापसी पे मुझे देर हो जाएगी है, तुम एक काम करना कि इंशा जैसे ही आती है ना, उसे कहना मुझे फोन करे। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं दफ्तर के लिए, तो देर हो गई ना जी। अरे भाई, रफीक अली ने FIR दर्ज करा दी है मेरे खिलाफ। FIR? हाँ हाँ, कचहरी जाना है मुझे जमानत के लिए, लेकिन फिक्र मत करो तुम, ठीक हो जाएगा सब। अब क्या करने आएगा? बड़ा दुख है उसे कोई मेरा, अपनी गैरत की पड़ी ही है उसे सिर्फ। आया था तो कौन सा मुझे लेने के लिए आ गया था, हैं? ना तू बता, औरतें रुसकी अपने मेके नहीं जाती, घर वाला आता है मना के लेके जाता है, तो आया भी, मुझे लिए बगैर चला भी गया। पानी पी पी। तू अगर भाग के अपने मैके गई होती ना, तो अब्बा तुझे ले भी जाता। अम्मा तू भाग के कहाँ आई? मकसूद साहब के घर? ना बखैरती वाली गल नहीं हुई हैं? तुम मानती नहीं है, तेरी गलती है, तुझे मानना चाहिए। बीस साल मारे खाई है मैंने तेरे अब्बे की, उफ तक नहीं की मैंने, अंदर बाहर का सारा काम किया मैंने, भूल गई अपनी दादी को, कितनी खिदमतें की मैंने। 3 साल पहले मरी है वो,
कर कर के खिदमतें, बातें भी सुनी। हर लड़के के मरने पे ना कहती थी रफीके शादी कर ले दूसरी, कर ले शादी। की तो नहीं ना अब्बे ने दूसरी शादी अम्मा। तो कर ले फिर, कौन मुंह लगाएगा उसको। जाके नाचने गाने वाली के घर में दरवाजे पे पड़ा रहता है, कर ले। तूने पूरे दिन मातम मनाना है, कल भी परसों भी, बस करना। एक बार पहले भी तुझे मारने लगा था, भूल जाती है सारा कुछ। तब कसम दे दी थी मैंने मरे हुए लड़कों की, मैंने कहा था रफीक अली अब तू मारेगा ना मेरी बेटी को, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, तुझे भी छोड़ दूंगी तो तेरा घर भी छोड़ दूंगी। मेरी कसम मुझे मार गई है मीरा। शहर में कितने दारू लमान होते हैं पता है ना तुझे? हाँ। तो तुझे भाग के आने के लिए सिर्फ मकसूद साहब का घर मिला था। तो जवान बेटी को ले जाती मैं गैरों के पास, किस पे भरोसा करती मैं? एक मकसूद साहब ही थे मीरा, कोई नहीं था। और तेरे भरोसे की सजा ना अब मकसूद साहब को मिल रही है। जाते जाते अब्बा पर्चा कटा गया है। हाँ जी, कर उन भरोसा। नहीं पीना अब्दुल यार, थोड़ा सा तो खा लो, मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप से लेके आई हूँ। ठीक है, मुझे भी क्या पड़ी है खाने की, एक जॉब हाथ से क्या निकल गई, तुमने तो हद ही कर दी। तोपा क्या क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ, नॉर्मल एक्ट कर रहा हूँ। मुझे कौन सी कोई टेंशन है, ये फ्लैट ये तो मुफ्त का है ना, और ये पंखा इसका कौन सा बिल आता है? और शुक्र है मेरी मोटरसाइकिल पानी पे चलती है, और वो जो तुमने कमेटी डलवाई थी सेविंग्स के लिए, उसकी महाना किस्त तो मेरे वालिद साहब भिजवा देंगे, जो खुद बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिन्हें अगर मैंने महीने का खर्चा ना भिजवाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। बहुत मेलोड्रामेटिक हो रहा है। एक एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एप्लीकेशन ही तो थी ना। एक एप्लीकेशन? तुम्हें याद भी है हमने कितनी एप्लीकेशंस भिजवाई थी और कितनी रिजेक्ट हो गई हैं? गिनती करके बता सकती हो? तो स्ट्रगल भी कोई चीज होती है, हर चीज प्लेट में नहीं रखी दी जाती। तुम्हें तो सब कुछ प्लेट पर रखा रखा है मिल गया, क्योंकि लड़की हो, खूबसूरत हो, सारे रास्ते सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए तो खुले हुए हैं। तो क्या जो कुछ मुझे मिला वो मैं डिजर्व नहीं करती? और मैं ये सब डिजर्व नहीं करता इंशा। मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम बताती हूँ, तुम्हें हर चीज यूं चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। चाहिए यार, थक गया हूं मैं इंशा, कब तक इसी चक्की में पिसता रहूंगा, कब तक कोशिश करता रहूं कि तुम्हारे काबिल बन सकूं, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जा सकूं। ये किसने तुमसे कहा कोशिश करने को? इसमें कहने की क्या बात है यार, मेरे जैसे पसमांदा बैकग्राउंड के लड़कों के पल्ले अगर कुछ ना हो तो उनको लड़की नहीं मिलती। उनके पास ढंग की नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान हो तो फिर ही जाकर कुछ बनता है। ये लिस्ट कब बनाई तुमने? मैंने तो नहीं दी तुम्हें ये लिस्ट। कुछ बातें अंडरस्टूड होती है इर्शा, अब मेरे जैसे सेल्फ मेड लोगों के लिए यही अलमिया होता है, हमारी जिंदगी में लिस्ट होती है, गोल्स होते हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारी लाइफ में एक गोल ही हूं? हाँ भाई, तुम जा सकती हो, सारा प्रेशर तो मुझ पर है ना, तुम्हारे घर मुझे रिश्ता लेकर आना है, गाड़ी पर, उस फटफटी पर नहीं। अगर मुझे ये पहले पता होता
कि मेरी वजह से तुम इतने अंडर प्रेशर हो, तो मैं तुम्हें बहुत पहले आजाद कर देती। अब मत आना, ना ही अपनी गाड़ी पे और ना ही अपनी फटपटी पर। वैसे हाजरा, मैंने कहा था ना तुझे, इस सकीना को अपनी सगीना बना। अब देख ले, लगा दी ना उसने पुलिस कचहरी। तेरा फोन आया ना, मैं तो भागी चली आई, वरना मैं तो तैयार होके बैठी थी। गवर्नर हाउस जा रही थी मिलाद शरीफ पर, ये काला जोड़ा पहना था, लेकिन मैंने ये शीशों वाली चादर बनवा ली है। आजकल बड़ा फैशन है, पूरे 25,000 का जोड़ा बना है। लेकिन अब मुझे बता, सही मकसूद है कहाँ? कहाँ है मकसूद? जमानत करवाने गए भाभी। देख ले फिर, गैर समझते हो ना तुम लोग, वरना मसूद साहब को फोन करते ना तो उन्होंने तो ये मामला जो है ना ऐसे ऐसे हाल ही करा देना था। लेकिन नहीं, मकसूद को तो शुरू से आदत है अपनी जिद मनवाने की और बेवकूफ़ी करने की। भाभी आप बात करें ना भाई मसूद से। इलेक्शन की मीटिंग में बैठे हैं, फ़ोन किया था मैंने, मिस कॉल दी है मैंने, अभी वापस फ़ोन करेंगे। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं, अब देख ना, अब तूने बुलाया तो मैं मिलाद शरीफ छोड़कर आ गई हूँ ना तेरे पास, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत नेक नियति से मदद करने गए। और रहने दे हाजरा, तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, कौन सी मदद? और ये तो सीधा सीधा इश्क मशूकी का मामला है। पता नहीं सकीना ने कौन सा जादू कर दिया है भाई, कौन सा जादू कर दिया है? हैं? अभी तो रफीक की मौर खौ खौ के कोजी हो गई है, लेकिन मकसूद अहमद के दिल से उसकी हुड़क नहीं जाती। और तू तू बड़ी पढ़ी लिखी होकर बस यही कहती रहती है, वो तो मदद करना चाहते थे। ओए पुरानी मोहब्बतें ताज़ा हो रही हैं, पुराने चक्कर फिर से चल रहे हैं। अगर इतनी गैरत वाली होती ना ये सकीना, तो किसी नहर में छाल लगा देती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? और वैसे ना मकसूद अहमद को अच्छी तरह से पता है कि तेरा ना कोई अग्गे है ना पिछे, तूने तो चूनी करनी, इसीलिए अपनी मशूका को घर बिठा के ना तो उसकी तलाकें करवा रहा है। छुड़ा लेंगे तेरे भाई मसूद अहमद, 2 मिनट का मामला है ये, हैं? लेकिन बहुत अच्छा हुआ है वो उसने, क्या नाम है उसके खसम का, रफीक अली, हाँ रफीक ने जो ना रिपोर्ट कराई है। अब जरा डर के रहेगा मकसूद अहमद, सारा इश्क का भूत जो सवार हुआ है ना उसके सर पर वो उतर जाएगा। हाँ चल, अब चाय डाल के दे भी दे मुझे, मिलाद शरीफ छोड़ के आई हूँ मैं तेरी खातिर। वाह, मेरे वालिद साहब इश्क में धर लिए जाने वाले हैं। कहकर गए थे इंशा से कहना फोन करे। कर लूंगी, बहुत भूख लगी है अभी। ये तो सब खा रही हो ना, ये भी वही ला कर देते, खाने की बड़ी है ये नहीं कि देखो जाके बाप को कि 2 रोटी का एहसान नहीं चाहिए मुझे, खुद कमा लूंगी खुद खा लूंगी, ऐसी बातें मत सुनाए मुझे। शर्म नहीं आ रही है? ये वक्त है ये सब बकवास करने का? जरा एहसास नहीं है कि जाकर बाप की खबर लो? एक लड़का होता ना कम से कम खड़ा होता उनके साथ। कोई नहीं खड़ा होता अम्मी, एक लड़का होता तो तब भी नहीं खड़ा होता। और क्या गलत किया है रफीक अली ने? बिल्कुल सही रिपोर्ट दर्ज कराई है, बल्कि इससे बेहतर था कि किसी कत्ल या किसी डकैती के इल्जाम में वो भर लिए जाते, एटलीस्ट लोग हम पे हंसते तो रहा जिस तरह आप हंसने वाले। मेरी बात सुने, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे साथ इस तरह की बातें मत किया करें कि लड़का नहीं दिया ये नहीं हुआ, ये सलाहियत उनमें थी आप में नहीं। कर लूंगी फोन, अब खाना। भूखी भूखी रहे। ना परेशान हो सकी ना, मसूद भाई है ना, वो संभाल लेंगे सब। आज का भाभी तो बहुत तसल्ली देकर सब उजाड़ने आ गई, मैं मेरे कदम ही काले हैं। क्या कहूँ तुमसे, जिन हालात में आई थी क्या करती तुम, कहाँ जाती? चली जाती, मर जाती कहीं जाके, जान दे देती अपनी, सोचे समझे बगैर आ गई मैं।
सारे घर को उजाड़ने। कुछ नहीं उजड़े उजड़ेगा, ये है ना, ये संभाल लेंगे सब। पानी पियो, पियो, ऐसा गम ना करो, आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, खैर से देखना। आप समझा दें मकसूद साहब को किसी तरह, हम माँ बेटी को जाने दें ना, यहाँ आना ठीक था हमारा, ना यहाँ रहना ठीक है। तुम दोनों को तो अब मैं जाने नहीं दूंगी यहाँ से, तुम किसी की परवाह मत करना। अच्छा क्यों जाकर तुम वहां मारपीट सहो, बस यही रहोगी अब। क्यों कर रही हैं साहब, क्यों? मैं वही कर रही हूं जो वो ठीक समझते हैं, समझी? आपको मेरे वजूद से खौफ नहीं आता? मुझे क्यों आएगा तुम्हारे वजूद से खौफ? कोई भी औरत आपकी जगह पे होती उसको खौफ आता, उसको डर लगता, खो देने का डर। कैसी हैं आप? क्या खोने का डर? जो मेरा कभी हुआ ही नहीं उसे क्या खो दूंगी सकीना पगली। लेकिन इतना जानती हूं अगर मेरी जगह तुम होती ना तो अपनी दहलीज पर कदम ना रखने देती मुझे। चलो उठो रोटी डालो, आ रहे हैं तुम्हारे मकसूद साहब। अब्दुल इधर अल्लाह थे कि मैंने तुझे गाल करनी। क्या शाबिश भाभी को नहीं भेजना चाहिए था आपको थाने। भाई औरतें होंगी इंजीनियर ने अकल से कम काम लेती हैं, जज्बात बहुत होता है। मारा लात का ना भी कहती तो मैंने तो आना ही था, लेकिन तूने जो किया वो केड़ा को बहुत ठीक था। हाँ मैं ना आता ऐसा शो से मुकमुका ना करता, पर्चा ना कैप कराता तो किसने कराना था? हो जाती जमानत मेरी। तुझे मेरे से बहुत पता है, जैसे पहले 20 साल पहले हुई थी है उस तरह जमानत पूरी हो जाती? हुई थी नहीं हुई थी? और उस वक्त हमारा कोई और मुकाम था, अब और मुकाम है। अब हम सियासी लोग हैं, हम पे हाथ डालना कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपकी सियासी साख खराब हो। बात तुम्हारी ठीक है, मेरी सियासी साख को नुकसान पहुँच सकता है, मुखालिफ पार्टी को कानो कान पता लग जाए, किसी रिपोर्टर को मुर्गा खिला के मेरे खिलाफ लिखवाना शुरू कर दें तो काम शुरू। लेकिन ये होता है सियासत में, सियासत आसान काम नहीं, गोलियां बेचना नहीं होता, समझा? आइए अंदर बैठ के बात कर ले। ना ना अंदर नहीं मैं जाना, अंदर तेरे उठे बुढ़िया ने वो किलके लगी होएगी। अंदर बैठ के इधर ही तेरे साथ मैं बात करना चाहता हूँ। तू बस अब ये तलाक की इद्दत पूरी होने दे जिसमें लाकर और निकाह पड़वा, जिनकी कली है ना उसको तो मैं संभाल लूंगा, हल्का बंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। मंसूर अहमद मेरे बच्चों की तरह था ईमान से, उनसे लिपटा हुआ उसका जिस्म मैंने उठाया है तो मैंने वादा किया था कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन मेरा सियासत में बिजी हो गया था, बात रह गई, लेकिन कुदरत का इंसाफ थी ईमान से गुना की पकार का चेक कर, इन कातलों को भी मैंने सेट नहीं किया ना, तो
चल जा शाबाश अल्लाह पी ले, एक बार में तुझसे बात करूँगा। जा शाबाश। मैं फोन करूंगा तुझे। चला भाई अब्दुल। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। आपकी बीवी ने तो पाबंदी लगा दी थी हमारे खाने पे। आप रेहान ही होते तो हम भूखे मर जाते। मसूद भाई ने FIR गायब करा दी थी। आखिर काम आपके रिश्वतखोर भाई है। मैंने नहीं बुलाया था उसे। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। मुझ पर झूठा और बेबुनियाद पर्चा हुआ है कि मैंने सकीना और अमीरा को हबसे पेजाम में रखा हुआ। इसमें गलत और बेबुनियाद क्या है? वो तो चली गई थी ना, आप उन्हें जबरदस्ती वापस ले आए, ऊपर से पाबंदी लगा दी है कि घर से नहीं निकल सकते। गलत बात है ना? अरे जो कुछ कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता, क्यों उनकी भलाई चाहते हैं आप? बताएं मुझे क्यों। भाई दुनिया की कोई भी औरत होगी मैं उसकी खुशी और भलाई ही चाहूंगा। और हाजरा की खुशी और उसे क्या हुआ है? क्या दुख दिया है मैंने? ऐसी कौन सी मुसीबत ला के उसके सामने खड़ी कर दी? जाओ जाके पूछ लो उससे। उनसे क्या पूछना है, ना कोई वजूद है उनका, ना कोई राय है। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपकी खिदमतें करती रहती हूँ। समझ नहीं आता है क्यों, उन्हें क्या मिलता है ये सब करके? और क्या चाहिए है उसे? आप पूछते क्यों नहीं है उनसे क्या चाहिए उन्हें? क्या शय है जो नहीं मिल रही? वो क्लेम, वो मोहब्बत जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। देखो इंशा, मैं नहीं चाहूंगा कि इस घर में मुझसे कोई इस तरह के सवाल पूछे। अरे तो मैं किससे करूं ये सब? अपनी माँ से पूछो। रकीब से